फाइनली गाइस, क्या आपके भी BSNL में डाटा नहीं चल रहा है दोस्तों? यहाँ पर इंटरनेट में चल रहा है या PH+ में चल रहा है? तो हालांकि एक हिसाब से ये माना जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका BSNL में डाटा नहीं चल रहा है तो दोस्तों कैसे आप अपने इंटरनेट की जो डाटा का जो स्पीड है बढ़ा सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों BSNL खुद रिकमेंड किया है कि इस तरीके से तो आप जो है अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कैसे दोस्तों आपको बढ़ाना है पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने BSNL की एप्लीकेशन को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। तो आपको इस BSNL की एप्लीकेशन जो है उसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर BSNL में ये देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है जिसकी मदद से यहाँ पर दूसरे यहाँ पर कोट कर सकते हैं, जिसमें लिखा भी है यहाँ पर देख सकते हैं, अपग्रेड सिम टू 4G सर्विस, गेट यू 4G सिम एंड एंजॉय ए बेटर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, चेक नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या है, आपको यहाँ पर चेक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर BSNL पोर्ट इन नेटवर्क फॉर ब्राउजिंग यानी कि यूजिंग BSNL सर्विस, यानी कि अपने नेटवर्क को आप 4G में अपग्रेड कर सकते हैं और इससे दोस्तों यहाँ पर आपका बेस्ट चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको कर देना है ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर पहले दोस्तों आपको इससे ये अपग्रेड करने से पहले दोस्तों आपको एक बार ये चेक करना है कि आपके एरिया में 4G नेटवर्क अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो दोस्तों वो वाली हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको BSNL की एप्लीकेशन में आकर के आपको अपग्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इतना काम कर देने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपका सिम कार्ड वगैरह है उस पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको परफेक्ट नेटवर्क पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका नेटवर्क है एरिया में उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि 4G पकड़ा है 4G पर सेलेक्ट करना है, अगर 5G पकड़ा है 5G सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। उसके बाद उसको एक्सेस पॉइंट के नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर जा करके रिसीट टू डिफॉल्ट आपको एक बार कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर रिसीट टू डिफॉल्ट कर देते हैं जो उसका नेटवर्क है वो रिसीट हो जाएगा एंड उसके बाद उससे यहाँ पर जो आपका BSNL है वो 4G में आपका डाटा को अपग्रेड कर दिया है। और इस तरीके से उसको आप अपने जो है BSNL के डाटा की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।